Jananim Sharadam Devim Ramakrishnam Jagadgurum Padapadme Tayo Svitva Pranamami Mahur Mahur Namasri Atirajai Vivekananda Suraye Satchitsukha Svarupaya Swamine Tapaharane. आज परम आनंद के दिन, ऐसे दिन के लिए हम सब सारे साल अपेक्षा करते रहते हैं। हम सबको माँ उनकी जन्म दिवस हम लोग मान रहे हैं। इज द डे वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एवरी ईयर। हाँ, जो आध्यात्मिक संपत्ति का ऐसी बात थी, हर स्पिरिचुअल मिनिस्ट्रेशन आध्यात्मिक शिक्षा कैसे देती थी उसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे। यही तो टीप एक समझ है मां की, हम दिस दिशा से देखने के समझने के प्रयास करेंगे, हर दिशा से यही समझ पाएंगे। संपूर्ण रूप में मातृ मूर्ति मातृत्व उसकी आधार पर उन्होंने हर काम किया। व्हाटएवर शी डिड फ्रॉम विच एवर डायरेक्शन और एंगल वी ट्राई टू लुक एट द मदर, व्हाट प्रोमिनेंटली स्टैंड्स आउट इज हर मदरहुड, हर पोजिशन एज मां फ्रॉम विच शी सीम्स टू डिस्पेंस एवरीथिंग। सब कुछ वही सर से वो बांटती थी। इस जगह पे भी वही समझ है, लेकिन मां के जीवन में यही दो चीज हम लोग हमेशा देख पाते हैं। जब वो अपना सब निकट वही व्यक्तियों के साथ रहती थी, विशेष रूप से उनके भाइयों उनके सब परिवार सबके साथ जब रहती थी, तो लग रहा था ऐसे ही संसार में वो इन्वॉल्व है, व्यस्त है, डूबे हुए, ऐसे भी कोई कोई सोचा भी। लेकिन ये भी हम लोग देख पाते हैं कितनी लोग मां की नजदीक आके आध्यात्मिक जीवन में बहुत उच्च कुछ अवस्था प्राप्त किया, बहुत कुछ अनुभव भी हुई उन लोग का। ये दोनों कैसे संभव होता है? साधारण सर पे हम लोग देखेंगे तो ठाकुर भी कहते थे सांप की मुंह में ही तो जहर पॉइजन रहता है, लेकिन उसका वो किसी वक्त स्पर्श नहीं करता है। आप ये जगत के बारे में हम सोचे कैसे वो एक बहु हो गया, ये बहुत तो उसकी एकत्व किसी वक्त कर्म करता है खंडन करता है नहीं है। यही एक अद्भुत है। वैसी मां के जीवन में भी एक तरह देखेंगे संसार में इतने वो व्यस्त है, बहुत कुछ करते थे, लेकिन एक ही समय वो अध्यात्म जगत में भी जो जैसे चाहते थे उनको वैसे ही मिलता था। मां भी एक तरह आप समझ पाएंगे कल्पतरु है, मां के पास जाके आप जो मांगेंगे जैसी मांगेंगे मां भी देने के लिए हमेशा तैयार है। तो लेकिन मां की एक दो दृष्टिकोण में देख पाते हैं उसके बारे में। उनकी बहुत नजदीक में रहती थी योगिन मां, उनकी मन में भी एक बार कुछ संदेह आया था, ये क्या है ठाकुर सर्वत्यागी सन्यासी थे, मां में लिख रहा हमेशा ही सब परिवार लोग के साथ इतने जुड़े हुए, तो वो तो हर रोज गंगा जी में नहाके गंगा के तट पर बैठ के जप करती थी। उस दिन वो जप करने बैठे अचानक ठाकुर के दर्शन मिला उनका। ठाकुर अंगुली उठा के दिखा रहे हैं गंगा के प्रवाह में जा रहे हैं, एक सद्योजात शिशु गुजर गए हैं, लेकिन उसके सारा शरीर में खून वगैरह नाड़ी बुड़ी सब लगे हुए, वही अवस्था भी वो गंगा जी के पानी में जा रहे। तो ठाकुर दिखाया, पूछा योगिन मां के
क्या एक चीज से गंगा जी का क्या पवित्रता खर्व होता है? गंगा जी क्या अपवित्र हो जाएगी? वही उसके भी समझ लो, किसी चीज उसका स्पर्श नहीं करेगी। इमीडिएटली योगिन मां वाज स्टंड बाय दैट विजन, इतनी वो चकित हो गए उस अवस्था से, उठ के तुरंत आके मां के चरणों में अपने को समर्पित करके बहुत ही उन्होंने बोलने की कोशिश किया, मां तो कुछ बोलने नहीं दी उनके। सो दिस वॉज द ब्यूटी ऑफ होली मदर। लेकिन मां ये भी समझती थी, बताते भी, विशेष रूप से जिस व्यक्तियों की वो दीक्षा देती थी वो बताते थे मंत्र के माध्यम में गुरु की शक्ति शिष्य के अंदर प्रवेश होता है। इसी कारण से किसी को गुरु बनना इतना सहज नहीं है, गुरु बनने में सब जिम्मेवारी दायित्व लेना पड़ता है। सो इसी वक्त मां, लेकिन इतनी जो आते थे जो मांगते थे हमेशा दीक्षा देने के लिए तैयार थी हर अवस्था में। इतना तक नहीं है जयराम बटे में किसी किसी दिन, क्योंकि बहुत ही जयराम बटे पहुंचना भी उस दिन में बहुत दिक्कत था। इतनी एक अदूर गांव है कलकत्ता से, वहां पहुंचते पहुंचते दो तीन दिन लगता था। वही सोचती थी एक दिन शाम तक कोई नहीं आया, आज एक दिन तो व्यर्थ गया कोई नहीं आए। उस समय अचानक कहां से कहां वो आ जाते थे, मां भी बहुत खुश हो जाती थी। वही मां की स्वभाव था। तो उनकी वो दीक्षा ऐसी देती थी। तो ये भी कोई किसी ने भक्त भी पूछा, देखो मां, देखो ठाकुर की शिष्य गण कैसे है, ठाकुर तो वैसे ही दीक्षा दिया, आप तो जो आ रहे हैं सबको वैसे ही दे देते हैं, ये क्या बात है? मां बोला, देखो ठाकुर की बात अलग है, उन्होंने मेरे वैसे बताया नहीं, ऐसे करना था तो मेरे इतना उन्होंने शिक्षा दिया, ये क्या बताते थे नहीं हो, जब उन्होंने नहीं बताया मेरे वैसे ही करना है, सबको मेरा ऐसे ही करना है। तो ऐसा नहीं है, मां इतनी दयालु थी, कोई ऐसे कोई शिष्य उनका जब तबीयत अच्छा नहीं था उस समय प्रणाम करने के बहुत ही सोच रहे थे, मैं पैर स्पर्श करूं तो मां को दिक्कत पहुंच जाएगी, तो मां के आश्वास ने, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, हम सब यही दूसरों को ऐसे कोई अपवित्रता जो भी दिक्कत है आप सब नहीं ग्रहण करें कौन करेगा, तुम बिना संकोच पैर स्पर्श करके प्रणाम करो। दूसरी बार जब उनका तबीयत बहुत ही खराब था उस समय सब आसपास जो शिष्य लोग रहते थे बताएं इस बार मां आरोग्य लाभ करें, उसके बाद हम लोग सबको मना करें किसी आके मां के स्पर्श नहीं करेंगे, प्रणाम करते समय पैर नहीं छुएंगे। मां तुरंत बताए कैसे होगा, क्या आप लोग सोच रहे मैं यहाँ ठाकुर रसगुल्ला खाने के लिए आए, हम लोग इसके लिए आए, कितने लोग आएंगे सबको वही करना, सबको आश्वासन देना, सबको आश्रय देना। तो मां को यही व्यस्त था। जरा मटी में एक दिन मां बहुत ही अस्वस्थ थी, तबीयत खराब था, उस समय बाहर से बहुत दूर से कोई शिष्य वैसे आया, लेकिन वहां जो उनकी देखभाल करते थे वही शिष्य लोग जाने नहीं दे रहे हैं, दोनों के अंदर बहुत ही झगड़ शुरू हो गया, वही चिल्ला रहे थे, वही सुन के मां बाहर से आए, बोले उसके क्यों रोक रहे हैं, उसके आने दो। तो बोला बेटा तुम जा, आज तो उससे प्रसाद ले लो, कल सुबह स्नान करके आना, तुमको दीक्षा दे देंगे। ऐसे नहीं है, दीक्षा देना इतना एक कठिन कुछ ऐसी व्यापार था। राजा महाराज हम लोग जानते हैं कितने आध्यात्मिक शक्ति संपन्न महापुरुष थे, वो भी दीक्षा देने के लिए बहुत सोचते थे, बहुत समय वो वापस लौटते थे, नहीं अभी नहीं है बाद में, ऐसे ऐसे किसी को 6 बार 7 बार वो उन्होंने लौटा दिया। ऐसे नहीं किसी किसी ऐसे लोग आते थे वो कहां बताया उन्होंने,
देखने में मेरे क्या ऐसे बुखार आ रहा है, ऐसे लग रहा है ऐसे व्यक्तियों को देखने में, इतना ऐसे उनके जीवन है, मैं कैसे उनको दीक्षा दूं, ये सोचते मेरा तबीयत खराब हो जाता है। ऐसे ऐसे लेकिन सबको माँ माँ के पास भेज देते थे, माँ बिना संकोच सबको दीक्षा प्रदान कर देते, अध्यात्मिक जीवन की दिशा निर्देश करते थे, दिखा देते थे। एक बार ऐसे ही होया, तीन चार व्यक्तियों इतने उनके पाप चरित्र था, आए थे राजा महाराज, बाबा राम महाराज, खूब संभव प्रेम महापुरुष महाराज भी बैठे थे। राजा महाराज बाबा राम महाराज देख ही बता दे, नहीं 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 यहाँ नहीं होगा, आप जयराम बाटी चलो माँ के पास जाओ। जब माँ के पास आके पहुंचे हैं, माँ तो देखी चकित हो गई, बोला विदेश में जब बेटा रहता है माता पिता के लिए अच्छे अच्छे चीज भेजते हैं, ठाकुर मेरे के लिए क्या भेजा। तो पहले दिन वो भी नाराज हुई थी क्योंकि इतनी उनका चरित्र दुष्चरित्र था, लेकिन वैसी उनकी करुणा, जब उन लोग बहुत ही मांगने लगे, रोने लगे, बताने लगे, माँ मान लिया ठीक है कल सुबह स्नान करके आना, उन लोग को भी दीक्षा दी। लोग जब वापस जाके बताए प्रेमानंद महाराज तो इतना आश्चर्यजनित हो गए, नाचने लगे, बोने लगे, जिस विष जिस जहर जिस पॉइजन हम लोग ग्रहण नहीं पा रहे हैं, माँ क्या अनायास ग्रहण कर लिए, अनायास सहन कर लिए, ऐसे करके यही माँ की कृपा, माँ की कृपा कृपा हमेशा बोलने लगी। ऐसी घटना बहुत ही माँ के जीवन में हुआ। तो माँ ऐसे कलकत्ता में रहते समय कोई ऐसे आए थे, एक पारसी वंश में जन्म हुए थे ऐसी लड़का, माँ के नाम सुन के आए थे माँ के पास कुछ प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन के निर्देश प्राप्त करने के लिए आए थे। तो पहले तो सब किसी वक्त उनको अनुमति मिला जाके माँ के साथ मिलने का, दर्शन करने का, तो दर्शन भी बंद रहा उस समय। माँ और लड़का का आध्यात्मिक स्फुरण उनकी मही मन देखे माँ बहुत प्रभावित हो गई, उनका कुछ कृपा करना चाहती थी। वो ब्रह्मचारी जो सेवक वहां रहे उनका पूछा क्या इसका दीक्षा दे दो, वो बोला नहीं आपका तो शरीर बहुत ही खराब है, अस्वस्थ है, इस अवस्था में आप दीक्षा दें शरद महाराज क्या बताएंगे। तो मां बोला जाओ तुम जाओ शरद के पास जाओ, जाके पूछ के आओ। वो गया शरद महाराज के पास पूछने के लिए, शरद महाराज बोले माँ किसी को कृपा करना चाहते हैं, मैं रुकने वाला कौन हूं, बोल के वो सम्मति दे दिए। लेकिन ब्रह्मचारी आके देख रहे हैं वो आते पहले माँ दीक्षा के लिए सब व्यवस्था कर लिए थे। तो दैट वॉज महाराज एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंपैशन। लेकिन ये सब दीक्षा एक कार्य भी उन्होंने स्वयं वो मातृमूर्ति मातृभाव एक उच्च आध्यात्मिक मातृभाव लेके उन्होंने करते थे। एक लड़का युवक दीक्षा लिया, दीक्षा लेके उन्होंने प्रणाम किया, माँ दीक्षा लिया, दीक्षा के बाद ही माँ तुरंत बोले देखो बेटा अभी तुम्हारा दीक्षा हुआ, मैं तुम्हारे ठाकुर तुम्हारी इष्ट है, मैं तुम्हारी सिर्फ माँ हूं। वो बात करने लगे कैसे हो सकता है, अभी तो तुम दीक्षा दी मेरे को, कैसे तुम बोल रही हो ऐसे, गुरु नहीं हो ठाकुर तुम्हारे इष्ट, ठाकुर तुम्हारे गुरु कैसे बोल रहे हो, अभी तो मैं आपसे तो दीक्षा प्राप्त किया। दो तीन बार ऐसे बताने लगे, फिर माँ बहुत गंभीर हो गए, बोला बेटा ठीक से देखो। जैसे ही वो देखने लगा एक मूर्ति अंदर माँ की जगह पे, वो अपना मातृमूर्ति जो गर्भधारिणी माँ की दर्शन को मिला, वो मूर्छा होके गिर पड़े। जब उनके ऐसे संज्ञा वापस आया, माँ पीठ पे हाथ लगा रहे थे बेटा क्या हुआ करके, फिर देख रहे वहां स्वयं माँ बैठे हुए।
So these type of incidents have happened time and again. बहुत बार उनका जीवन में हुआ. उन्होंने इसीलिए उनका दीक्षा देने का पद्धति तरीका भी बहुत ही सुंदर था, बहुत अलग था. लेकिन बहुत कम समय में उनकी दीक्षा के काम संपन्न कर देते थे. 3-4 मिनट के अंदर दीक्षा के काम हो जाता था. लेकिन शरद महाराज भी दीक्षा देते थे. किसी को बाद में किसी को बोला सपना था, आधा घंटा लगता था. बोले महाराज जी, माँ तो इतने कम समय में दीक्षा देते थे, आपको इतना समय लगता है? माँ बोला देखो, माँ की ऐसी शक्ति है, माँ किसी को स्पर्श करे, कुछ बताए, तुरंत वो ठाकुर क्या वही व्यक्ति को समर्पित कर सकते हैं. ठाकुर के पास होके वैसी दिखाना, उसके समर्पण करना बहुत सहज है, लेकिन मेरे को बहुत समय लगता है. मेरा पुनः पुनः बहुत प्रार्थना करने के बाद भी मैं ठाकुर के चरणों में समर्पण कर सकता हूँ उसका, इसलिए मेरा इतना समय लगता है. लेकिन माँ बहुत ही, माँ जैसे स्पर्श करते हैं किसी को, तुरंत उनका ऐसी कोई प्रभावित हो जाता है, उसका तुरंत ठाकुर ग्रहण कर लेते हैं. इसीलिए माँ का दीक्षा बहुत कम समय में हो जाता था. माँ इसलिए माँ दीक्षा की प्रथा पद्धति भी बहुत ही सहज सरलता. ऐसे तो साधारण पूज्य की बात ही दीक्षा देते थे, लेकिन ऐसे ऐसे भी उनका कोई माल्य, कोई बंधु, कोई आए थे, वो तो लेटे हुए वही अवस्था पे उसको माँ दीक्षा प्रदान किया. आप सब तो जानते हैं कैसे वो स्टेशन में एक कुली की माँ वहाँ जो वहाँ वही जगह पे उन्होंने कहीं व्यवस्था करके वहाँ जो पानी वहाँ जमे हुए थे वही पानी उन्होंने गंगा जल रूप शुद्धिकरण के लिए व्यवहार किया. वही जगह पे उनका दीक्षा प्रदान किया, क्योंकि वही कुली इतना माँ के देखे सीता मही कह के रोने लगे. तो इसलिए माँ का दीक्षा की पद्धति, मेथड, एवरीथिंग वाज सो स्पेशल एंड सो यूनिक. कई लोग आते थे, साधारण माँ सबको पूछते थे आपका कौन ग्रह है, आप कहाँ से आए, कैसे हुआ, क्या मंत्र है, वैसे ही पूछ के वैसे वैसे देते थे. लेकिन ऐसे भी होता था कभी किसी किसी को, नहीं मेरा कुछ याद नहीं है, माँ थोड़ा ध्यान करके तुरंत समझ लेते थे उनका क्या है, क्या उनका देवता देने में देने लायक है, किस मंत्र देना है, तुरंत माँ वही मंत्र प्रदान करते थे. ऐसे भी बहुत व्यक्तियों आए थे, आते थे, उन्हें माँ के सपने में उनका दर्शन हुआ, ना किसी को ऐसे मंत्र प्राप्त किया. माँ के पास आए, नहीं बोल रहे हैं लेकिन दीक्षा के समय देख रहे हैं, सपना में जो मंत्र प्राप्त किया वही मंत्र माँ पुनर् उसके दे रहे हैं. ऐसे भी हुआ, किसी किसी पहले बता देते हैं मैं वैष्णव घर का, शाक्त घर का, माँ उसका दूसरा देते थे, तो बोला मेरा वैष्णव घर की लड़का होते नहीं तुम शाक्त मंत्र. पहले उनका थोड़ा यही लगता था नेता बचपन से दूसरा कुछ कर रहे हैं, लेकिन बाद में सचमुच साधन करने लगेंगे तो तुरंत पता चलता था माँ क्यों उनका वही मंत्र दिया. वही मंत्र जप करके साधन के बहुत आनंद मिलता था. साधारण व्यक्तियों सिर्फ नहीं है, मिशन में बहुत ही प्रसिद्ध साधक रूप में प्रसिद्ध थे पूजनीय स्वामी बलजान जी महाराज, उनको भी माँ पहले, वो माँ के पास आते थे उसके पहले ही उन्होंने दूसरा कुछ जप मंत्र जप करता था, उसी से बहुत आनंद भी उनको मिलता था. लेकिन जब माँ के पास आए, माँ उनको दूसरा कुछ मंत्र दिया, उन्होंने कुछ बोलने लगा, माँ इतने कहे यही ठीक है, यही ठीक है, इतने कहा. लेकिन वो देखा धीरे धीरे साधन करते करते माँ जो मंत्र दिया वही मंत्र से इतना आनंद मिला, इतना आनंद मिला, इतना शांति भी मिली. लेकिन वो महाराज की दूसरी घटना भी आप जानते होंगे. वो स्वामी जी का देहांत के बाद उनका मन इतना विमर्श हो गया, वो बहुत उनका ऐसे हो गया, वो किसी में उनका मन नहीं लग रहा था. खान दान भी छोड़ दिए, बहार जाके बहुत समय 8-10 महीने उसकी भी अधिक एक डेढ़ साल लग रहा है, बहुत साधन करने लगे वो भी नहीं कर पा रहे, पढ़े कोशिश किया वो भी नहीं कर पा रहे. ऐसी तबीयत बहुत खराब हो गया था,
उनका बहुत तरीके उनका चिकित्सा इत्यादि के होम्योपैथी आयुर्वेद सब दिखाए, किसी वक्त उनका कोई नहीं हो रहा था उनका। अंत में कोई बना तो माँ के पास चलो, क्योंकि माँ तो उनकी गुरु थी। तो माँ के पास गया, माँ कुछ नहीं पूछा, सिर्फ बोला बेटा तुम कैसे कहाँ ध्यान कर रहे हो, बोलो तो। बोला मैं भ्रू मध्य ध्यान कर रहा हूँ, वही जागृत करने में सहज में मन अंतर्मुख हो जाता है, जप करने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। माँ तो बहुत ही विचलित हो गए, बेटा क्या किया तुमने, मत करना, पहले पहले हृदय में ध्यान करना है। ऐसे करके माँ थोड़ा उनका साधन पद्धति में थोड़ा कुछ परिवर्तन किया, जो डेढ़ साल दो साल से इतनी उनका कष्ट हो रहा था, बहुत कम समय के अंदर फिर उन्होंने आरोग्य लाभ किया, बहुत सुंदर उनका सब वापस आया, साधन में मन लगा, बहुत साधन भी किए हैं, बहुत काम भी किए हैं, बहुत कुछ किया बाद में उन्होंने, इसके बाद में उन्हें श्यामला ताल आश्रम वगैरह उन्होंने स्थापना भी की। तो इसलिए माँ के क्या, माँ के बारे में कहना, कैसे किस अवस्था में क्या कर पाते थे, क्योंकि बाहर से देखने के लिए बिल्कुल संभव नहीं था कैसे व्यक्ति थी माँ। लेकिन जिन लोग थोड़ा नजदीक आने की कोशिश करते थे वही लोग समझ पाते थे। इतना नहीं ले, माँ ज्ञान भक्ति योग सब में कितनी परिपूर्ण एक व्यक्ति रही, एक बहुत ही पंडित रूप में प्रसिद्ध कोई सन्यासी माँ के एक ठाकुर के दर्शन के बारे में पूछा था, क्योंकि ठाकुर बनारस में जाके ठाकुर दर्शन किया, क्योंकि बनारस में जिस व्यक्ति का देहांत होता उसका तुरंत मुक्ति लाभ, यही हम लोग के पुराण में, शिव पुराण में, काशी कांड में तो प्रसिद्ध है। तो ठाकुर का वही दर्शन हुआ, ठाकुर बोल रहे हैं कोई देहांत किसी को हो रहा है, वही शिव के कान में तुरंत माँ आके उसका सब बंधन सब खोल देती है, और शिव के कान में प्रणव मंत्र उच्चारण करते हैं, वो व्यक्ति मुक्ति लाभ कर रहा है। तो ये शास्त्रज्ञ महाराज माँ की पूजा, माँ एक ऐसी हो सकता है, शास्त्र तो कहते हैं अज्ञान नाश के बिना तो ज्ञान की प्राप्ति मुक्ति की प्राप्ति संभव नहीं है। तो माँ तुरंत एक क्षण भी उन्होंने रुका नहीं है, तुरंत वापस उनके बताया बेटा ठाकुर का दर्शन तो ठीक ही हुआ, ठाकुर क्या देखा, किसी व्यक्ति को जो देहांत हुआ उसके अगले क्या हुआ। माँ अन्नपूर्णा आके सब बंधन खोल देते, ये क्या है, अज्ञान के द्वारा जो बंधन सब रहते थे सब माँ जब खोल देते थे, उसके बाद मुक्ति की क्या बाधा कहाँ है। उसकी बाद ही ठाकुर उसके कान में प्रणव मंत्र तारक मंत्र उच्चारण करते थे, शास्त्र में भी तो कहते हैं ना, विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धते सर्व संश्रेया, हृदय की सब ग्रंथि छिन्न हो जाता है उसके बाद सब संशय नाश होता है। तो माँ तो अज्ञान के द्वारा बंधन, तो बंधन क्या है, सो साधारण रूप में बंधन नहीं है, वह अज्ञान की प्रति वो बंधन सबको माँ जब खोल देती है तो उस तो तुरंत उसका तो अज्ञान नाश हो जाता है, ज्ञान प्राप्त के लिए मुक्ति के लिए तैयार है। उसकी बाद ही ठाकुर उसकी कान में तारक मंत्र उच्चारण करते हैं, बेटा इसमें क्या असंगति क्या है, ठाकुर का दर्शन तो ठीक ठाक ही हुआ, वैसे ही उन्होंने माँ बोले। लेकिन माँ जैसे भी इतने तो किए, तो माँ के इसके माध्यम में बहुत कष्ट स्वीकार करना पड़ता था। ऐसे ऐसे कोई जरामट में भी कभी ऐसे कोई व्यक्ति थोड़ा उम्र ज्यादा था, आके प्रणाम करके किया, उसके बाद शिष्य आके देख रहे हैं माँ वरांडा में लेटे हुए, बोले बेटा बाबा ऐसे व्यक्ति आके प्रणाम किया, मेरा पेट में इतने दर्द है, पैर में इतने दर्द है। कई बार कोई योगी माँ वगैरह कोई देखते थे, माँ हमेशा है प्यार, उसके अपना पैर गंगा जल देखे हमेशा है, साफ कर रहे हैं, धो रहे हैं, धो रहे हैं, क्यों क्या करें, ऐसे करने में तो सर्दी लग जाए, अरे क्या करो। किसी किसी व्यक्ति आके प्रणाम करने में इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति आके प्रणाम कर रहा है तो मेरा सारा शरीर जल रहा है, इसलिए मेरा
थोड़ा कम से कम पैर धो गंगा जल से थोड़ा आराम मिल रहा है, ऐसी मां कर रही थी। लेकिन ये भी सत्य है, कोई भक्त शिष्य को माँ की पूछा, माँ ऐसे ऐसी असंख्य भक्तों की आप तो दीक्षा देते हैं, आप तो कैसे याद रख पाते हैं, शिष्य की तो जिम्मेवारी आपकी है, आप कैसे सिखाते हैं। माँ बोला, बेटा मैं तो ठाकुर तुम्हें इसे जैसे शिक्षा दिया, जैसे बताया वैसे मैं कर रहा हूं, जैसे किसी को दीक्षा में दे देता हूँ तुरंत ठाकुर के चरणों में समर्पित कर देता हूँ, बोल देता हूँ ठाकुर इसका मंगल करो, इसका आध्यात्मिक जीवन का सब तुम संभाल लो, सुन देखो, जैसे मैं तुरंत समर्पण कर देता हूँ, इसीलिए मेरा कोई दिक्कत नहीं है, जितने के भी संभव मैं दीक्षा दे देता हूँ। लेकिन माँ इतना तक करके चुप नहीं रहते थे, सुबह 3 बजे से रात 11 तक दिन के अंदर लक्षाधिक जप हर रोज करते थे। कोई मैं पूछ रहा था, माँ आपका क्या इतना जप करने का क्या जरूरत है, आप क्यों इतना क्यों जप कर रहे। माँ बता देते थे, देखो बेटा कितने लोग आते हैं साधन नहीं करते हैं, जब मैं मंत्र दे देता हूँ कोई आके मांगने में मैं उनका यही नकार नहीं कर पा रहा हूँ, करुणा से मैं तुरंत उसका मान लेता हूँ, उसका मांग दीक्षा भी दे देता हूँ, लेकिन बाद में वो साधन नहीं करता है। इसीलिए जिस व्यक्तियों जितनी मेरा संतान जहां भी हो सबको कल्याण के लिए हमेशा मैं मेरा हमेशा जप करना पड़ेगा, जितने भी समय में करता रहूं इसीलिए सबको कल्याण होगा, सबको मंगल होगा, यही कारण से मेरा हमेशा जप करना पड़ता है, क्योंकि मैं तो जिम्मेवार ले लिया ना, सबको मेरा ये करना है। लेकिन माँ ये भी बता देते हैं, देखो दीक्षा तो मैं दे दिया, मंत्र तो दे दिया, लेकिन आप यही जन्म में देवी दूसरी तरह भी उन्हें कहा, एक जगह भी कहा, कोई बनारस में मच्छर बा किसी को मार के माँ के बोला, माँ क्या इसका मुक्ति हो गया बताओ, माँ बोला जरूर। फिर माँ बोला, देखो लेकिन मुक्ति तो संभव है, लेकिन यही जन्म में यही शरीर में तुम अनुभव करना चाहते हो तो तुमको निर्वासना होना चाहिए, नहीं तो मृत्यु की बात संभव है, यही जन्म में आपका जीवन मुक्त होना चाहते हो तो आपका निर्वासना होना चाहिए। तो वही साधन के बारे में वो कहती थी, माँ मैं तो दीक्षा दे दिया, मंत्र दे दिया, देखो मतलब सच्चाई से यही जन्म में तुम कुछ प्राप्त करना चाहते हो, यही जन्म में कुछ तुम्हारा ऐसा शांति आध्यात्मिक आनंद अनुभव करना चाहते हो तो तुमको साधन करना चाहिए, नहीं तो मृत्यु के बाद मैं जरूर सबको जिम्मेवारी ले लिया, ऐसे कोई हो नहीं सकता है, मेरा शिष्य मेरा संतान किसी को दुर्गति प्राप्त होगा, सबको मैं भार सम्मान जरूर ले लूंगा, लेकिन मेरा यही जन्म में कुछ अनुभव करना चाहते हो तो तुम्हारा साधन करना चाहिए। इसलिए हम सब भी आज माँ की पवित्र जन्म दिवस समारोह में यही पुण्य अवसर पर हम सब तो माँ के जितने संभव समर्पित जीवन जिएंगे, प्रयास करेंगे, साधन भी जितने संभव करेंगे, क्योंकि साधन करने का भी शक्ति उसके भी क्षमता उसके भी मन उसके भी ऊर्जा सब उनकी कृपा से ही संभव है। साधन करने हमें बोलने भी तो कर नहीं पा रहे, हम लोग तो मुंह से कितना बोल रहे हैं, लेकिन टिक टिक ऐसे साधन करने के लिए माँ की शक्ति माँ की कृपा माँ की करुणा जरूरी है। इसीलिए माँ के चरणों में ऐसी प्रार्थना हम लोग सब मिलकर निवेदन करेंगे, माँ सच सच साधन करने के लिए ये जीवन में ठीक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए ऐसा मन तुम प्रदान करो, तुम ही मेरे मन से जितनी संभव वासना दूर करो, ऐसी जगह पे मेरे ले चलो, मेरा साधनशील जीवन हो, मैं जितना संभव साधन करके सचमुच तुम्हारी कृपा प्राप्त करने के लिए लायक बन जाओ, यही तुम्हारी जिम्मेवारी, तुम्हारी कृपा के बिना संभव नहीं है। यही प्रार्थना से श्री माया चरण में हम सब प्रणाम समर्पण करें, श्री सारदा अर्पण।